जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक तरफ वंदे भारत ट्रेन का संचालन कर रही है, साथ ही ICF रैक के साथ जो ट्रेनें चल रही है भारतीय रेलवे उस पर भी ध्यान दे रही है कि जो ट्रेनें पहले से ICF कोच के साथ चल रही है उसे LHB में भारतीय रेलवे कन्वर्ट भी कर रही है। इसी में एक रिपोर्ट निकल कर सामने आया है, एक ट्रेन को फिर से नए LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे जोड़ने जा रही है। तो कौन सा ऐसा रूट है, कौन सा ऐसा ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे और किस तारीख को LHB इस ट्रेन को मिलने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे यात्री को आसान और आरामदायक बनाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी दिशा में दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्करदरपुर रेल मंडल ने टाटा नगर से जम्मू तभी तक परिचालन वाले जम्मू तभी एक्सप्रेस में LHB रैक का निर्णय लिया गया है। LHB तकनीक जर्मनी तकनीक है, इसे अत्यधिक सुरक्षित हो जाती है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार टाटा से 22 दिसंबर को प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 1801 टाटा जम्मू तभी एक्सप्रेस में LHB रैक लगाने जा रही है भारतीय रेलवे। 25 दिसंबर को जम्मू तवी से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 1802 जम्मू तवी टाटा एक्सप्रेस LHB रैक के साथ चलेगी। गाड़ी संख्या 1801 और 1802 टाटा जम्मू तवी टाटा एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन टाटा से और 3 दिन जम्मू से टाटा के लिए प्रस्थान करती है। गाड़ी संख्या 1801 टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस रविवार, शुक्रवार और रविवार को टाटा से और गाड़ी संख्या 1802 जम्मू तभी टाटा नगर एक्सप्रेस रविवार, शनिवार और सोमवार को जम्मू से टाटा के लिए प्रस्थान करती है। टाटा जम्मू तभी टाटा एक्सप्रेस LHB हो जाने के बाद ट्रेन में स्लीपर और AC क्लास के डब्बे की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे अत्यधिक संख्या में यात्री को कन्फर्म टिकट मिल पाएंगे। सामान्य कोच की लंबाई लगभग 22 मीटर होती है जबकि LHB कोच की लंबाई लगभग 23.54 मीटर होती है। ऐसे ही पुराने डिब्बे में जहां स्लीपर कोच में 72 सीटें शामिल रहती है वहीं LHB में 80 तक शामिल रहती है। अगर थर्ड AC की बात करें तो प्राइमरी की संख्या भी बढ़ जाती है। LHB कोच पुराने कन्वेक्शन कोच से काफी अलग होते हैं, ये उच्च स्तरीय तकनीक से लैस रहते हैं। इसके सीट की अगर पोजीशन की बात करें तो इस समय के जो LHB कोचेज भारतीय रेलवे बना रही है वो काफी कंफर्टेबल बना रही है। दुर्घटना के समय इसमें बैठे लोगों को कोई खासा नुकसानी नहीं हो पाती है। एक कोच दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ता जिससे जान माल की क्षति कम होती है। इसीलिए भारतीय रेलवे अब हर ट्रेनों को LHB डब्बे दे रही है ताकि आने वाले समय में अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो तो इसमें कुछ ज्यादा नुकसानी देखने को न मिले। तो दोस्तों एक तरफ भारतीय रेलवे वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों को लॉन्च कर रही है, लेकिन इसमें जो ICF कोच के साथ ट्रेनें चल रही है भारतीय रेलवे उस पर भी ध्यान दे रही है। जिसमें मैंने आपको बताया कि 22 दिसंबर को भारतीय रेलवे LHB कोच से लैस करने वाली है जिससे लोगों की यात्रा सुखद और आरामदायक हो। तो फिलहाल दोस्तों इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।